ओके, हमने अभी क्या देखा था सन और मून के बारे में, अभी उसका है चैप्टर का रिमेम्बर, मतलब हम उसको रिमेम्बर करने रिमाइंड करेंगे। ओके, रिमेम्बर में क्या है देखो, द अर्थ इज कवर्ड विद द लैंड एंड वाटर। अर्थ किससे कवर्ड है? लैंड एंड वाटर से। द स्काई इज द ओपन स्पेस अबाउ अस। द स्काई इज ओपन स्पेस, बंद है क्या स्काई? स्काई को बंद करना होता है क्या? नहीं, जब खोलो जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद करो, ऐसा नहीं होता। स्काई एकदम खुला खुला होता है। ओके, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट ड्यूरिंग द डे। सन हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट। द मून एंड द स्टार्स शाइन एट नाइट। द मून एंड द स्टार्स शाइन एट नाइट। ओके, अभी हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में है, ग्रीन कलर में लिखा है देखो, वैली। वैली मतलब दरी। दरी खोरे नहीं होती है, जो माउंटेन होते हैं तो उसके बीच में जो छोटी छोटी स्पेस होती है उसको दरी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स, दो हिल के बीच में या माउंटेन के बीच में। देखो अभी हमने सन देखा था, मॉर्निंग वाला सन, तो उसके बीच दोनों हिल माउंटेन के बीच में सन हुआ था, तो उसमें होती है वैली, छोटी सी जगह होती है उसको बोलते हैं वैली। ट्विंकलिंग, शाइनिंग विथ अ स्मॉल ब्राइट लाइट दैट कम एंड गोज। ट्विंकलिंग मतलब ऐसे शाइन करना, एकदम रात को शाइनिंग करते हैं तारे, तो हमें वो ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये जो पोएम है ना वैसी वाली। लाइटिंग, अ सडन ब्राइट लाइट इन द स्काई व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म। अब लाइटिंग, लाइटिंग मतलब लाइटिंग कब आती है? लाइटिंग मतलब बिजली, बिजली कड़कती है कब? रेनी सीजन में एकदम से बिजली कड़कती है, ऐसा लगता है अभी गिर जाएगी, कहीं कभी कभी तो गिर भी जाती है। हाँ, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब होल हो जाता है ज़मीन को, और वो होल के अंदर चली जाती है, और मतलब बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है उसकी वजह से। अभी लाइटिंग मतलब थंडर एंड लाइटिंग, थंडर मतलब बादल गरजना, बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं, लाइटिंग होने लगती है, स्ट्रोम आने लगता है, मतलब बड़ी सा बड़ी हवा आने लगती है तूफान जैसी। और सडन ब्राइट लाइट इन द स्काई व्हेन देयर इज अ स्ट्रोम, जब बड़ी जोर से हवा आती है तब ये लाइटिंग होती है। क्यों होती है लाइटिंग मालूम है आपको? ये जो बादल है ना, बादल बड़े 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 बादल एक दूसरे को वो घिसते हैं तब लाइट होती है। जब पुराने ज़माने में हमारे पास लाइट नहीं थी तो हम क्या करते थे, दो पत्थर एक दूसरे के ऊपर घिसते थे, और वो लाइट में से थोड़ी छोटी 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 ठिंगी गिरती थी, उससे हम लाइट जलाते थे। वैसे ही ये लाइट बन जाती है कब, जो दो बादल एकदम बड़े बड़े बादल होते हैं वो एक दूसरे को घिसते हैं तब वो लाइट बनती है। ओके, थंडर, अ लाउड नॉइस इन द स्काई व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, जब स्टॉर्म मतलब बड़ी स्ट्रांग हवा होती है और फास्ट होती है तब क्या होता है, थंडर मतलब बादल का आवाज़ आने लगता है, नॉइस होने लगता है, धड़म 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 ऐसे। ओके, रेनबो, अ हाफ सर्कल ऑफ अ ब्राइट कलर, ए हाफ सर्कल होता है। देखो अब रेनबो बहुत सुंदर, सबको रेनबो पसंद आता है ना, उसमें 7 कलर्स होते हैं। अ हाफ सर्कल bright color that sometimes see in the sky when the sun shine through the rain। जब अभी देखो अभी रेन आएगा, रेन में रेन खुल जाएगा मतलब निकल जाएगा, और उसके बाद फिर सन आएगा और सन एकदम ब्राइट दिखेगा, और एक साइड में क्या हो जाएगा, फिर रेनबो दिखेगा। ओके, अभी आएगा रेनबो, रेनबो रेनी सीजन में कभी ना कभी आता ही है। ओके, अभी देखो फिलअप्स देखेंगे हम, एक्सरसाइज। The earth is round like an, कैसी earth, orange जैसी है, ball जैसी है ना। The earth is round like an orange, क्या an orange, क्या आएगा वहाँ पे number वन में, orange। Number टू, the dash is the open space above the earth, the sky is the open space above the earth, above मतलब earth के ऊपर, क्या है sky, कैसा है open है। डैश क्लाउड्स ब्रिंग रेन, कौन से, ब्लैक क्लाउड ग्रे क्लाउड्स। ओके, क्या करते हैं वो रेन को लेके आते हैं, ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग रेन। द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर, सन कैसा है, फायर का गोला है ये। द मून शाइन एट नाइट, मून कब शाइन करते हैं, एट नाइट को, तो आंसर क्या आएगा, नाइट। नंबर फोर में फायर, नंबर थ्री में ब्लैक क्लाउड्स,
नंबर टू में द डैश इज ओपन स्काई एंड अर्थ इज राउंड लाइक अ ऑरेंज एंड ऑरेंज. ओके अभी चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसको हमें चूज करना है और टिक करना है. ओके वी लिव ऑन, हम किस पे रहते हैं, द अर्थ द सन द मून द स्टार. हु इज टेलिंग, सो सिंपल आंसर. आपने जो केयरफुली लिसन किया होगा ना वीडियो, तो आपको समझ में आया होगा कि हम कहाँ पे रहते हैं. सन पे रहते हैं? नो, सन इज द फायर ऑफ बॉल, वो तो आग का गोला है. द मून, मून भी दूर है, मून पे तो अर्थ ही नहीं है, तो मून पे कैसे रहेंगे. स्टार, स्टार तो बहुत दूर है हमारे से, स्टार पे भी नहीं रह सकते. फिर हम कहाँ पे रहते हैं, द अर्थ. ए को टिक करो, चलो अर्थ, तो अर्थ को टिक करना है, मतलब अर्थ इज अ राइट आंसर. ऑन लैंड देर आर, लैंड में क्या होता है, लैंड में बहुत सारे जगह होती है, और वो जगह में क्या क्या दिखने को मिलता है हमें, माउंटन्स वैलीज फॉरेस्ट ऑल ऑफ दीज. डी वन क्या है, ऑल ऑफ दीज. तो हमें अर्थ पे माउंटन्स भी दिखते हैं, वैलीज भी दिखती है, फॉरेस्ट भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर. तो डी को टिक करो, सेकेंड वन में डी को टिक. क्लाउड्स मूव विथ, क्लाउड किसके साथ मूव होते हैं, द सन द विंड एंड द स्काई एंड द मून. किसके साथ मूव करते हैं क्लाउड, अभी आप ऊपर देखोगे ना, क्लाउड आपको हिलते हुए दिखेंगे, तो ऊपर क्या है, हवा है, विंड है, मतलब हवा, तो विंड के साथ वो मूव करते हैं. तो द विंड को टिक करो, नंबर फोर्थ, नंबर थर्ड का बी वन. अभी नंबर फोर्थ वन पीछे है, आपको पेज टर्न करना पड़ेगा. ऑल लिविंग थिंग्स नीड, सभी ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको क्या किसकी ज़रूरत होती है, द मून द सन द स्टार, नन ऑफ दिस. ऑल लिविंग थिंग्स नीड द सन, सन के सिवाय हम नहीं रह सकेंगे, क्योंकि सन प्लांट्स का फूड बनाता है, हमें लाइट देता है, हीट देता है, इसलिए द सन इज द राइट आंसर. द मून एंड स्टार कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग, अभी मून एंड स्टार आपको दिख रहे हैं, देखो स्काई में देखो, दिख रहे हैं क्या, नो अभी हमें स्काई में खाली क्लाउड दिख रहे हैं, क्लाउड ही क्लाउड भरा है पूरा, तो क्या दिखता है, सीन ड्यूरिंग द डे. द मून एंड स्टार्स कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द डे, मून एंड सन हमको दिन में नहीं दिखते हैं, तो ए को टिक करना है. ओके इसके ऑप्शन है द डे द नाइट बोथ बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज. ओके द डेज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, सी वन. अभी हमें रॉन्ग राइट बोलना है. ओके आवर अर्थ इज शेप लाइक एन एप्पल, हमारे अर्थ का एप्पल जैसा शेप है, नो किसके जैसा है, ऑरेंज जैसा, तो ये फॉल्स आंसर है. देर इज अ मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, देर इज अ मोर वाटर, यस करेक्ट, बहुत सारा पानी है, आधे के ऊपर पानी है और फिर लैंड है. ओके तो करेक्ट आंसर. क्लाउड्स लुक लाइक अ कॉटन, राइट आंसर. क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, कॉटन जैसे दिखते हैं. आपने कॉटन प्लांट देखा होगा ना, तो उसमें जो कॉटन आता है ना उभर उभर के, तो वो क्लाउड जैसे दिखता है. स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, करेक्ट आंसर. स्टार्स हमारे से बहुत दूर है. नंबर फोर मैं भूल गई, द सन इज वेरी नियर टू अस, सन हमारे बहुत पास है, करेक्ट आंसर, नो रॉन्ग आंसर. द सन इज अ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हमारे से सन बहुत दूर है, लेकिन इन्होंने नियर बोला है, तो ये आंसर रॉन्ग है, तो हम लिखेंगे फॉल्स. ओके वी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर डू वी लिव ऑल लिव, हम कहाँ रहते हैं, सन पे, नो मून पे, नो स्टार पे, नो. तो वेयर डू वी लिव, वी लिव ऑन अर्थ, हम धरती के ऊपर रहते हैं, धरती में रहते, धरती पर रहते हैं. कहाँ रहते हैं, धरती मतलब अर्थ. व्हाट इज द अर्थ कवर्ड विथ, अभी अर्थ को किसने कवर्ड किया है, अर्थ कवर्ड विथ वाटर, किसने, वाटर एंड लैंड.
द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड लैंड. व्हाट डज द सन गिव्स अस? सन हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सो सिंपल आंसर्स. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. अभी देखो इंडिविजुअल एक्टिविटी हम देखेंगे. इंडिविजुअल मतलब आपको वो घर पे करनी है, आप अकेले कर सकते हो. ड्रॉ एंड कलर अ रेनबो विद दीज कलर्स. अभी आपको रेनबो के मैंने बोला था आपको 7 कलर्स है, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बोला था कौन से होते, तो वो आपको जानने हैं अभी. कलर्स फर्स्ट वन होता है वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येल्लो, ऑरेंज एंड रेड. आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है या नोटबुक पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो. और ड्राइंग सीट ड्राइंग पेपर में किया या ड्राइंग बुक में किया तो भी चलेगा. उसमें क्या करना है, एक रेनबो कर्व वाला आधा सर्कल होता है वो आधा सर्कल करना है. और उसमें 7 कलर मतलब पेंसिल से आपको पहले स्केच करना पड़ेगा. उसके बाद आपको पहले वायलेट कलर, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येल्लो, देन ऑरेंज एंड लास्ट में रेड कलर करना है. ओके, एवरी वन डू एट होम. ओके, सब लोग करोगे ना आप, करोगे तो अभी ग्रुप एक्टिविटी है. तो ग्रुप एक्टिविटी आप जब स्कूल आओगे तब मैं आपकी ग्रुप एक्टिविटी ले लूँगी. ओके, आस्क योर टीचर टू शो अ ग्लोब एंड हेल्प फाइंड इंडिया ऑन इट. अभी हमारे क्लास हमारे स्कूल में एक ग्लोब है, आपको उसमें इंडिया को फाइंड करना है और अदर और कंट्रीज है उसको भी फाइंड करना है. जब आप स्कूल आओगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, ग्लोब भी दिखाऊंगी और ये सारे कंट्री भी हम फाइंड करेंगे. ओके, समझ में आया? आई होप यू आर अंडरस्टैंड.